नमस्कार, बीएनबी में आप सभी का सादर स्वागत है। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें क्या क्या हो रहा है। फिलहाल आज आप सबको लेके चल रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के चपवाड़ी पंचायत, जहां पर कुछ प्रवासी मजदूर साथी लोग आए हुए हैं जो बिशनपुर गांव के रहने वाले हैं। पूरी फैमिली बच्चे समेत आए हुए हैं। उनके लिए यहाँ के जो सहिया साथी हैं सुमित्रा मंडल जी के द्वारा ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क और खाने पीने की वस्तुएं दी जा रही है, जो आप देख सकते हैं। इन्होंने मानवता का एक मिसाल पेश की है सहिया साथी सुमित्रा मंडल ने, जो लगातार इस फील्ड में जमी हुई है और कोरोना वायरस बचाव को लेकर जागरूकता चलाई हुई है। काफ़ी मशक्कत की और लगातार इसकी मशक्कत जारी है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके पास वो भावना देखने को मिल रही है जो और लोगों में नहीं दिखता। ये जानकारी दे दें कि देशभक्ति के प्रति यह जज्बा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो प्रवासी जो आए हुए हैं, जिनके पास भूखे हैं, दो तीन दिनों से लगातार भूखे रह रहे हैं, उनके लिए यह भोजन वगैरह की व्यवस्था कर रही हैं और व्यवस्था करके लोगों को समझा भी रही है, जागरूक भी कर रही हैं। इनका कहना है कि होम क्वारंटाइन में रहने से खुद का भला होगा, परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा। ये काफ़ी लगी हुई है यहाँ पर, लोगों को मदद करने में जुटी हुई है और इनका कहना है कि और जो जो जैसे नूनिया टाँड में भी स्कूल विद्यालय में भी कुछ लोग रुके हुए हैं, वहाँ पर भी ये देने के लिए जा रही हैं और वहाँ भी देंगी और लगी हुई हैं लोगों को जागरूक करने में। बाहर से जो प्रवासी इनके गांव में आ रहा है तो उनको विद्यालय में या क्वारंटाइन के लिए अलग कोई रूम व्यवस्था हो तो उनमें कराया जा रहा है। यूँ कहें कि लगातार इनका प्रयास जारी है और ये चाह रही है कि किसी भी तरह लोग और यह कोरोना वायरस की बीमारी हमारे गांव में ना फैले, हमारे बेगाबाद में ना फैले, इसके लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार लोगों को मदद करने में जुटी हुई है। आइए आज हम उन्हीं सुमित्रा मंडल से बात करते हैं कि आखिर इनका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या चाहती है इस कोरोना वैश्विक महामारी में। आखिर ये इतने दिनों से लगी हुई है लगातार, उन्हीं से पूछते हैं क्या इनका। आइए थोड़ा सा सुमित्रा जी, थोड़ा प्लीज थोड़ा इधर आ जाइए, इन्हीं से जानते हैं कि आज आखिर इनका जो मेहनत है, इतना काफ़ी मेहनत कर रही है, कड़ी धूप में अभी आई हैं और काफ़ी मेहनत कर रही हैं, इन्हीं से जानते हैं कि यह जो मदद कर रही हैं लोगों को किस भावना से, आखिर उद्देश्य क्या है इनका। जी सुमित्रा जी, सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं राज्य सरकार और झारखंड सरकार के आदेशानुसार कि बाहर से जितने भी मजदूर आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन करना है, तो गांव में मेरा व्यवस्था उस तरह जिस तरह घर है, लोग घर काफी छोटा है और एक ही रूम है, जिसके चलते हम कुछ लोगों को यहाँ व्यवस्था कराए हैं। ये घर खाली था तो हम खाली करवा के यहाँ व्यवस्था कराए हैं। कुछ लोग हमारा नूनिया टाड़ स्कूल में रुके हुए हैं तो बोले कि दो दिन से कुछ नहीं खाए हैं। अच्छा, मतलब ठीक है, खाने पीने का व्यवस्था मेरे से जितना बन पड़ेगा हम करेंगे और जितना मेरे से सहयोग होगा हम करेंगे, लेकिन आप लोग 14 दिन जितना वहाँ कष्ट आप लोग किए, कम से कम 14 दिन यहाँ कष्ट कीजिए, तभी हम लोग ये कोरोना के जंग में जीत सकेंगे। अगर हमारा गांव जाता है, हम भगवान से मनाते हैं कि हमारा ये बीमारी हमारे गांव में नहीं फैले, इसके चलते हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इससे इस बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग एक दूरी बना के ही रखेंगे। बाहर से जितने भी मजदूर आ रहे हैं उसको एक जगह होम क्वारंटाइन करेंगे, तभी हम लोग इस बीमारी से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। और ये हमारा नहीं, पूरे गांव वाला हमारा सहयोग कर रहा है, हमारा जितने भी क्षेत्र में है हर लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं कहीं जगह ऐसा हो रहा है कि उलझना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको हम समझाते हैं कि नहीं, ये हमारे, हम अपने पर्सनल के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमको आपसे दुश्मनी नहीं है, ठीक है, हम आपके भलाई के लिए, हम अपने देश के भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए हम दिन रात इतना धूप में, अभी इतना 11-12 बजे के बीच कितना धूप था, एक बार वहाँ जा रहे हैं, एक बार यहाँ आ रहे हैं, घर में भी हम अपना परिवार बच्चे कोई किसी को नहीं देख पा रहे हैं, ताकि हमारा इस मतलब बीमारी को हम रोक सकें, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बीमारी रोकने के लिए हम यथा प्रयास कर रहे हैं, इसमें सबका सहयोग है और यही बोलना चाहेंगे। इसके बोल के जय हिंद जय झारखंड। ये काफी मशक्कत कर रही हैं और इनका कहना है कि कहीं कहीं छिटपुट थोड़ी बहुत प्रवासियों की रंगबाजियां भी हो रही है, लेकिन यह सेटल करके लोगों को सेट कर रही है और लोगों को समझा रही है। सुमित्रा जी थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। ये जो अभी जो क्वारंटाइन में जो लोग रह रहे हैं, इनके लिए जो आप मदद वगैरह कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं जी, बताइएगा थोड़ा सा दर्शकों को। देखिए, हम मदद इसलिए कर रहे हैं, ये बोले कि हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है,
जो भी लाए थे वो खराब हो चुका है, अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से जितना हो सकेगा हम हमेशा मदद करेंगे, और हम ऊपर पदाधिकारी से भी मांग करते हैं जो ऐसे गरीब परिवार है उनको भी कुछ मदद किया जाए, जो यहाँ लोग रहने खाने के लिए कुछ कुछ व्यवस्था दिया जाए। मतलब प्रशासन से इनका कहना है कि ये क्वारंटाइन में रह तो रहे हैं लेकिन गरीब हैं, परेशान हैं, प्रवासी हैं, मजदूर हैं, ऐसे लोगों को क्वारंटाइन में जो रह रहे हैं प्रशासन अगर इनको सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को लाभ पहुंचेगा, लोगों को सुकून मिलेगा और लोग चैन से रह पाएंगे। तो सुमित्रा जी, ये जो अभी कहाँ कहाँ क्वारंटाइन में आपके गाँव में और लोग आए हुए हैं? अभी तो कुछ लोग जिसका बहुत बड़ा घर है, अकेले अकेले जहाँ रूम है, उस सबको तो हम घर पे ही बॉन्ड करवा के कि आप घर से नहीं निकलेंगे तभी हम आपको घर में रखेंगे, उसे लिखित तो शपथ पत्र भरवाए हैं और उसको घर में रखे हैं, वो नहीं निकल रहे हैं। और जिसका गरीब परिवार, जिसका एक ही रूम है, जिसका 3-4 बच्चे है, उसको तो वहाँ रहना एकदम संभव है, बीच गाँव में रहना, इसलिए इसको यहाँ रखे हैं। बिशनपुर हमारा ये रूम खाली था, यहाँ पानी उनी का थोड़ा व्यवस्था देखे तो हमने तुम लोग यहीं रुक जाओ, और कुछ लोग हमारा नुनियाटाड़ में भी रुके हैं, वहाँ भी चलिए चल के देखते हैं, वहाँ भी हमारे कुछ लोग रुके हैं, वहाँ भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं और यह जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, इनका आखिर उद्देश्य क्या है ये भी जान ही लेते हैं हम लोग लगे हाथ। ये जो आप काम कर रही हैं दिन रात एक कर दी हैं इस कोरोना वैश्विक महामारी में, काफी लगी हुई हैं, देखने को मिल रहा है आपका, आखिर यह उद्देश्य क्या है, क्या चाह रही हैं आप, इसका कुछ तो लक्ष्य होगा आपके पास? मेरा उद्देश्य ये है कि जो स्टेट से लेके झारखंड तक ये बीमारी जो आ गया, कई कई प्रखंड में भी आ गया, हम सोचते हैं बेंगाबाद प्रखंड किसी तरह से हम बचा के रखें, अगर हम बेंगाबाद बचा लेंगे तो हमारा मान सम्मान रह जाएगा और हमारा मेहनत काम आ जाएगा। जितना हम लगे हुए हैं, हमारा हस्बैंड तो कभी कभी हमको डांटने भी लगते हैं कि तुम्ही को जरूरत है क्या, घर में बच्चे लोग को तो देख नहीं पाती, हम अभी आप दिल्ली में काम करते थे ना, तो आप बच्चे के लिए काम कीजिए, हम देश के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छी सोच है इनकी, आप समझ सकते हैं, इनका कहना है कि देश में कोरोना आ चुका है, राज्य में कोरोना आ चुका है, जिला में कोरोना आ चुका है, लेकिन बेंगाबाद कोरोना से बचा रहे इसके लिए अब प्रयासरत है। इनका कहना है कि बेंगाबाद में अगर कोरोना वायरस नहीं आती है तो हमारी मान सम्मान इज्जत बनी रहती है। तो निश्चित रूप से हम सभी दुआ करेंगे, बीएनबी भी दुआ करती है और आप सब भी दुआ करें, बेंगाबाद कोरोना से बचा था, बचा है और आगे भी बचा रहे। बने रहिए आप लोग बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, थैंक यू। क्वारंटाइन में आप रह रहे हैं, कैसा सुविधा मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी आए हुए भाई बहनों से, और मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब सूरत में फंसा था तो मदद के लिए मुझे कोई रास्ता और कोई जगह नजर नहीं आ रहा था, इसके लिए मुझे बहुत ही कष्ट सहना पड़ा और मैं अपने किसी पर्सनल रिजर्व करके बस में आए हैं, बहुत ही दिक्कत और तकलीफ से आए हैं। यहाँ पर रह रहे तो हमारे गांव के मेरे सहिया साथी सुमित्रा भाभी जी ने हमें अभी बहुत ही मदद की है, और सूचना के लिए हमारे भैया जगन्नाथ मंडल भैया जी आए हैं, उसको भी दिल से धन्यवाद कहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? भूषण मंडल। कहाँ से? बिशनपुर। आप अभी सूरत से आए हैं, क्वारंटाइन में आप रह रहे हैं, कैसा मतलब यहाँ सुविधा सारा मिल रहा है? मेरे लिए नमस्कार सब लोग का भाई सब, यहाँ हम लोग बहुत दिक्कत से आए हैं, सुमित्रा मंडल से रिक्वेस्ट करके हम लोग गाँव जराने के से भेदरा मिला। तो यहाँ पे सुमित्रा मंडल सहिया साथी के द्वारा लगातार सहयोग किया जा रहा है जी, बगल वाले से और कोई सहयोग कर रहा है? और कोई सहयोग यहाँ पे कर रहे हैं अभी तक? दीदी के अलावा और कोई नहीं कर रहा? सुमित्रा मंडल दीदी के अलावा कोई नहीं सहयोग कर रहे हैं। तुम्हारा कैमरा ये तुम्हारा साथ भी हम आए देखने के लिए, हाल चाल आप लोग बोले कि बहुत यहाँ बुरा परिस्थिति है, यहाँ रहने के लिए आपके सामने देखें जो भी आप ले लीजिएगा, आपके सामने आप लाइट देख सकते हैं। चलिए अच्छा, हम तो सैया साथी हैं, इस क्षेत्र का नहीं भी हैं लेकिन हमारे गांव से आप लोग हैं, इसके चलते हम यहाँ पूरा जितना भी मजदूर जितना भी आए हैं सबको मेरा मदद करना मेरा कर्तव्य है। जो भी मेरे से बन पड़ रहा है, आप लोग बोले सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है, खाने पीने का कुछ ला दीजिएगा, आप सुबह हम आए तो आप हमको बोले तो हम आप लोग के लिए मास्क लेके आए हैं और सैनिटाइजर भी लाए। चलिए मास्क दे रहे हैं।
एक आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग इसको दे रहे हैं। कैमरा बहुत साफ है पांडे, कैमरा अपना व्यवस्था मुखिया। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर सहिया साथी सुमित्रा मंडल तन मन धन से समर्पण होकर के लगी हुई है। आज यहाँ नूनिया टाण विद्यालय पहुंची हुई है। इससे पूर्व व बिशनपुर स्थित एक आवास में जो क्वारंटाइन में थे उनको सामान वगैरह ले जाकर के उन्हें मदद की है, सहयोग की है। और यहाँ पर अभी नूनिया टाण विद्यालय आई हुई है, यहाँ पर लोगों को ये मदद कर रही है। खाने पीने का सामान, मास्क, सैनिटाइजर आदि सभी चीज़ों का यह वितरण और उपलब्ध करवा रही है। देख सकते हैं इनका कहना है कि लोग भले कोई मदद करे ना करे, मेरा जो फर्ज और मेरा जो दायित्व है वो मैं पूरा करूँगी। इसका कहना यह भी है कि बेंगाबाद कोरोना वायरस से बचा रहे, इसके लिए अथक प्रयास होगा इनका। सुमित्रा जी आज यहाँ पर आए हैं, लोगों को आप बांट रहे हैं, थोड़ा दो शब्द यहाँ के लिए भी बता दें। यहाँ पे भी हम सुबह आए इन लोगों को देखने के लिए कि बहुत ये लोग चल के दूर से थक के आए हैं, तो कम से कम हम इस गांव समाज के हैं तो दुख तो जानना मेरा फर्ज है कि आखिर ये लोग क्या परिस्थिति में है। तो बोले कि हम लोग यहाँ के खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है, घर से लाता है तब हम लोग खाते हैं, उसके पहले हम लोग के लिए कुछ घर चटपटा खाने का भी मन करता है तो कुछ खाने का मन करता है तो घर से लाएगा इतना दूर से, घर भी हम लोग को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो थोड़ा खाने पीने का व्यवस्था हो जाता तो अति उत्तम होता। मेरा ठीक है, हम तो मेरे से जितना बन पड़ेगा हम तो उतना नहीं है, क्योंकि जब यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल विकास पदाधिकारी और ऊपर पदाधिकारी जितने भी हैं वो लोग जब नहीं कर पा रहे हैं तो हम कितना करेंगे। हम मेरे से जितना बन पाएगा हम उतना ज़रूर करेंगे और जितना संभव होगा हम आप लोगों को मदद जरूर करेंगे। तो ये लोग हमको मांग रखे थे कुछ खाने पीने का चीज़ ला दीजिएगा, तो हम अभी गए हैं घर, पहले सबसे पहले इन लोगों के लिए सामान खरीदें और ये लोग आके हम बोला मास्क भी नहीं है, सैनिटाइजर भी नहीं है, बोला ये तो रहना बहुत ज़रूरी है, किसी किसी का मास्क वो लिए थे फट गया था, बोला अच्छा हम व्यवस्था करा के लेते हैं। फिर गिरिडीह जाके मास्क मंगाएं और सबको मास्क सैनिटाइजर और खाने पीने का चीज़ इन लोग से सबको वितरण किए। अब यही लोग से पूछिए हमारे लिए क्या ये लोग कहना चाहेंगे। ठीक है आप लोग? जी हैं जी। कहाँ से आए आप लोग? जी मैं सूरत से हूँ। कौन सा गांव है आपका? जी मैं बिशनपुर से रहने वाला हूँ। बिशनपुर के रहने वाले, कब आए आप? जी मैं आए हुए यहाँ 3 दिन हो गए। किसी तरह का कोई सर्दी खांसी वगैरह बुखार किसी को नहीं है ना? जी नहीं, सब स्वस्थ है। सब स्वस्थ। कितने दिन हो गए आज यहाँ? जी मेरा आए हुए 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ लगे तो तुरंत अस्पताल जाना है, तुरंत खबर करना है सहिया साथी सुमित्रा मंडल को, है ना? क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विशाल कुमार मंडल। विशाल कुमार मंडल, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि जो होम क्वारंटाइन अगर सही मायने में देखा जाए तो चपुआडी पंचायत के नूनियाटाड़ विद्यालय में पूरी तरह निभाया जा रहा है। लोग भले मदद करे ना करे अलग बात है, लेकिन सहिया साथी सुमित्रा मंडल यहाँ पर लोगों का ख्याल रख रही हैं, लोगों को खाने पीने का व्यवस्था से लेकर मास्क सैनिटाइजर तक व्यवस्था करने में जुटी हुई है। तो बने रहे आप लोग बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ऐसे लड़का लोग बोलेंगे, हम लोग नहीं जानते हैं। कोई मदद कुछ किया नहीं किया? अभी नहीं किया है, हैं? नहीं किया है। अभी बोले सुमित्रा जी बोले सुमित्रा मंडल आया तो इतना मदद क्या दे दिया है। सुमित्रा मंडल मदद की है? हाँ। क्या क्या मदद किया है? क्या दिया? मुढ़ी दिया, क्या क्या दिया है? खाने पीने का सामान दिया है। क्या नाम है आपके बेटे का? गणेश। अच्छा अच्छा, यही घर हुआ आपका? कौन गाँव है आपका? नूनिया टाण का रहने वाला है। इनका 3 बेटा आया हुआ है और उसके लिए यहाँ पर मदद करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन सुमित्रा जी आई हैं और वो मदद कर रही हैं। बने रहे आप लोग और देखते रहे आगे कैसे, क्या, कब और कहाँ क्या हो रहा है इस क्वारंटाइन में। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।